वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में बोला है आयरन पे कुछ एडजॉर्प्शन हो रहा है, अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग एडजॉर्ब गैस बाय मास ऑफ आयरन का वैल्यू पता किए हैं। बोला है इस प्रेशर पे इतना रहा x बाय m, इस प्रेशर पे इतना रहा, इस प्रेशर पे इतना रहा, तो 36 बार पे कितना टोटल गैस एडजॉर्ब होगा बाय 5 ग्राम। सो देखो यहाँ पर ये यूज होगा x बाय m इज इक्वल टू k p रेस टू द पावर 1 बाय n, x बाय m इज इक्वल टू k p रेस टू द पावर 1 बाय n। और देखो यहाँ पर हम लोग को k अगर इसमें अलग अलग वैल्यू करके पुट करेंगे ना, तो k हम लोग को एक फिक्स क्वांटिटी दिख रहा है, ठीक है, k हमारा एक फिक्स क्वांटिटी आएगा। अब देखो हमें n पता करना है, क्या पता करना है n, तो कैसे कर सकते हैं, इन दोनों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो x बाय m 0.2 इज इक्वल टू k इंटू 4 बार पावर 1 बाय n, ये 0.2 के लिए यूज हुआ। अब इस वैल्यू पे 0.5 इज इक्वल टू k उसके बाद 25 पावर 1 बाय n, ये आएगा। इसको जरा डिवाइड कर दीजिए तो के कैंसल, ये हो जाएगा 2/5। सो इम्प्लाइज दैट 2/5 इज इक्वल टू 4/25 पावर 1 बाय n। देखो ये इसके बराबर है, इम्प्लाइज दैट n इज इक्वल टू 2। देखो इसका स्क्वायर रूट ही ये आएगा ना, तो अपना n क्या आया, 2 आया। अब n अपने को 2 मिल गया, अब तो सारा काम बन चुका है, हमें किससे पता करना है, 36 बार पे। सो लेट से 36 बार पे हम लोग को x बाय m नहीं पता, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर 36 बार प्रेशर x बाय m शुड बी इक्वल टू k इंटू 36 पावर 1 बाई 2, ये करेंगे। अब देखो या तो मैं k पता कर लूँ किसी भी एक इक्वेशन से, ठीक है, या फिर मैं इसको और इसको डिवाइड कर दूँ, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं k पता करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे k दिख रहा है 1/10 आ रहा है, ठीक है, तो मैं k पता कर चुका हूँ, आप पता कर लीजिए, k 1/10 आएगा। Implies that x by m equals to 1/10 into 6. This is equal to 0.6. But देखो अपने से x by m at 36 बार नहीं पूछा, अपने से पूछा x at 36 बार, तो x by m कितना आया, x by m आ रहा है 0.6, तो x is equal to 0.6 into m, m दिया है 5 ग्राम, तो दिस इज इक्वल टू 3 ग्राम। सो टोटल गैस एडजॉर्ब विल बी 3 ग्राम बाय 5 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, थैंक यू।